हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें 0.03 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का 298 केल्विन पर पीएच बताना है। तो चलिए देखते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। सिंस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो यह कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा। तो यदि हम 0.03 मोलर बेस लेंगे तो हमें सॉल्यूशन में 0.03 मोलर कैल्शियम 2+ आयन और 0.06 मोलर OH- आयन्स मिलेंगे। तो पीएच निकालने के लिए सबसे पहले हम पीओएच निकाल लेते हैं, जो कि इक्वल होगा माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन्स। कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन की वैल्यूज पुट करें और सॉल्व करें तो हमें पीओएच की वैल्यू मिल जाती है 1.223। और हम यह जानते हैं कि 298 केल्विन पर पीएच 14-पीओएच के इक्वल होता है, तो यहाँ से हमें पीएच की वैल्यू मिल जाएगी 12.777। आई होप अब आप स्ट्रॉन्ग बेसिस के केस में पीएच की वैल्यू कैलकुलेट कर सकेंगे।